कुछ साल पहले शाहपुरकंडी पुलिस अधीन दर्ज हुए हत्या के मामले में माननीय जिला अदालत द्वारा सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश पठानिया ने बताया कि क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी द्वारा सुनाई गई है। जानकारी मुताबिक हत्या करने वाले कुल 12 लोगों में से 3 महिलाएं भी शामिल थी, जिनका मकसद सोना और नकदी समेत लूटपाट की वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। 28 नूं पुलिस स्टेशन शाहपुरकंडी जी शाम लाल ने एक पर्चा दर्ज कराया है, जिदे विच अशोक कुमार ते कौशल कुमार दोनों का मर्डर हो गया सी। आशा राणी अपन कुमार ते सत्या देवी नूं बुरी तरह इंजर किया। जिहड़ी आशा राणी है ये 1.5 साल होस्पिटलाइज रही है और उसके बाद कौमा तो बाहर आई है, फिर यदि गवाही हुई है। ये 20 तरीक न 11-12 जने इनकलूडिंग 3 लड़की औरतान ये पौड़ियाँ रस्ते चढ़े छत्त अशोक कुमार तो कौशल कुमार सुते थी, दोनों छत्ते उनका मर्डर किया। उसके बाद पौड़ियाँ उतर के थले आए न, अगे आशा राणी मिल गई उसकी वाइफ तो अपन कुमार का बेटा तो सत्या देवी की माँ ही अशोक कुमार थी। इन्हों भी बड़ी बुरी तरह इंजर्ड किया उन्होंने, फिर जाते जाते सोना तो कैश भी लै गई। ये विवेकपुरी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सरकारी वकील तो मैं दोनों ने केस हैंडल किया। जज साहब श्री जितेंद्र पाल सिंह खुरमी सैशन जज पठानकोट उन्होंने 31/8/24 नूं फैसला किया और ये 12 बंदियां नूं उम्र कैद की सज़ा देती है, इनकलूडिंग वूमेन्स नाल 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया। जिहड़ा अशोक कुमार ही जिंदा मर्डर होया सुरेश रैना जी का रिश्तेदार। ना उन्होंने 12 कोई राजस्थान तो कोई सहारनपुर तो कानपुर तो कानपुर और राजस्थान बरेली लुट खोह का ही ताई अगले ने मारते सारे ही। ये टोटल 42 गवाह भुगते ने तो उसके बाद जज साहब ने फाइंडिंग देती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट देती है।